इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर टू इनपुट फील्ड्स को साइड बाय साइड किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वन कॉलम एग्जांपल, टू कॉलम एग्जांपल, यहाँ पर थ्री कॉलम का एग्जांपल दिया है और यहाँ पर फोर कॉलम। तो इस तरह का सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म आप अपनी वेबसाइट में भी आसान तरीके से ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी इस तरह के फॉर्म को हमारे वेबसाइट में किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी वेबसाइट के बैकएंड में जाना होगा। बैकएंड में आने के बाद यहाँ पर हमें प्लगइन के सेक्शन में जाना है। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर करना है अल्टीमेट ऐड ऑन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके सामने ये वाला प्लगइन दिखाई देगा, तो इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल एक्टिवेट कर लिया है इसको। तो प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको अल्टीमेट ऐड-ऑन्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्लगइन की सेटिंग ओपन हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम और ग्रिड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की बाय डिफॉल्ट जो कोडिंग होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म का नेम इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म का नेम इंटर कर देता हूँ। अपने फॉर्म का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें इसको सेव कर लेना है। सबसे पहले फॉर्म के सेव हो जाने के बाद यहाँ पर फॉर्म का शॉर्टकोड जनरेट हो जाएगा, तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं हमारे पेज में जाता हूँ और यहाँ पर पेज में आने के बाद इस शॉर्टकोड के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो शॉर्टकोड को पेस्ट करने के बाद पेज को अपडेट करके देखते हैं। पेज को अपडेट हो जाने के बाद चलिए इसका सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फॉर्म सक्सेसफुली डिस्प्ले हो चुका है, लेकिन मेरे सारे फील्ड्स वन बाय वन एक के नीचे एक आ चुके हैं। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे ये सेकंड फील्ड है ये फर्स्ट फील्ड के सामने आ जाए, मतलब साइड बाय साइड आ जाए। तो इसको किस तरह से सेट करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के कोडिंग में आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कॉलम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस ऐड कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप जो जितने भी कॉलम सेट करना चाहते हो उतने कॉलम पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो मैं अभी टू कॉलम से यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर टू कॉलम वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह की कोडिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने यूअर कोड का ऑप्शन दिया है, तो मैं हमारी जो फर्स्ट फील्ड है तो उसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इस यूअर कोड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड फील्ड है हमारी, उसको भी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी इसको सेव करके। तो हमारा फॉर्म सेव हो चुका है, तो चलिए अभी इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमारे टू फील्ड्स साइड बाय साइड ऐड हो चुके हैं या नहीं, तो आप देख सकते हो हमारे टू फील्ड्स यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक फील्ड हमारी नीचे वाली ऊपर वाली फील्ड को चिपक गई है। तो इसको अभी अलग करते हैं। इसको भी हमें वन कॉलम यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर वन कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारी फील्ड का कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है और यूअर कोड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ। फॉर्म के सेव हो जाने के बाद चलिए इसका अभी प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारे टू फील्ड्स यहाँ पर साइड बाय साइड सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा फॉर्म भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। तो आपका कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें हमारा फॉर्म क्रिएट कर लेना है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जितने कॉलम सेट करना चाहते हो 1, 2, 3, 4 उतने कॉलम पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हमने टू कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ये वाला कोड यहाँ पर जनरेट हो गया। ये रो का कोड है और इस रो के कोड के अंदर ये दो कॉलम के कोड है, तो इस कॉलम के कोड के अंदर हमने जो हमारी इनपुट फील्ड थी वो हमारे इनपुट फील्ड का कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में टू कॉलम या फिर मल्टीपल कॉलम का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह का ग्रिड लेआउट का कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते उसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।